हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी उत्तराखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को उत्तराखंड के पर्व हरेला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आप लोग कह रहे हो कि तो शाम का टाइम हो गया और अब जाके हरेला पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या है दोस्तों कि सुबह मैं ड्यूटी चला गया था और ड्यूटी से आने के बाद मैंने कहा चलो एक आप लोगों से थोड़ा शेयर भी करेंगे और सभी लोगों से थोड़ा सा मुलाकात हो जाएगी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए मैंने सोचा कि हरेला के पर्व के उपलक्ष्य में आप लोगों के साथ कुछ मैं शेयर करूं। तो दोस्तों शेयर करने वाली बात ये थी कि हरेला पर्व जैसा कि हरियाली का एक त्यौहार होता है और इस हरियाली के त्यौहार में हम हरियाली को जितना ज़्यादा बढ़ावा दें उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसी उपलक्ष्य में मैं देखिए दोस्तों ये लेके आया हूँ और ये है, इसको बोलते हैं मीठी नीम, और इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा क्या नाम होता है इसका, गंदे। इसको हमारे उत्तराखंड में गंदेला बोलते हैं, गंदेला का पौधा, लेकिन वैसे इसको मीठी नीम बोला जाता है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको कड़ी में डालिए, इसकी पकौड़ियाँ बनाइए, और वैसे भी ये इसके आयुर्वेदिक भी बहुत सारे काम होते हैं, आयुर्वेदिक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसको ना बहुत सारी शुगर में भी काम आता है। और तो मैंने सोचा, मैंने कहा पौधा अगर लगाना है तो ऐसा लगाओ कि जो यूज़फुल हो और बहुत सारी चीज़ों में काम आए। तो ये ज़्यादा बड़ा इसका पौधा भी नहीं होता है और एक मीडियम होता है। अभी तो ये आज यही गमला था मेरे पास अवेलेबल, क्योंकि इसमें क्या कि जो ये आप पौधा देख रहे होंगे ये गेंदे का पौधा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है और कोई अभी उपलब्ध नहीं था तो मैंने इसी पे लगा दिया। जैसे इसके थोड़ा पौधे बड़े होंगे ना तो मैं इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें ये भी लग रहा है, ये मोरवा का इसकी चटनी बनती है, तो मैंने ये लगाया है। मैंने कहा हरेला पर्व के उपलक्ष्य में मैं दो पौधे ज़रूर लगाऊंगा, तो एक तो मैंने ये मीठी नीम लगाई है और दूसरी मैंने देखो ये लगाया, ये मोर पंखी लगाई है। ये मोर पंखी बहुत अच्छी लग रही है, देखो मोर पंखी। और तो ये आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये पौधे लगाए हैं। और दोस्तों आप भी अगर हो सके तो ज़रूर इस पौधे अपना एक पौधा हरेला पर्व के उपलक्ष्य में ज़रूर, बहुत से लोगों ने लगाया भी होगा, जिसने आज नहीं लगाया वो कोई बात नहीं, बाद में भी लगा सकते हैं, पौधा तो कभी भी लगाएं, पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों सभी लोगों को एक बार पुनः हरेला पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अपने उत्तराखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।